हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे हैं। हमने ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स भी पढ़े। दो टाइप्स हमने अभी तक कवर किए हैं। द फर्स्ट वन वाज द मोस्ट सिंपल वेरिएंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, दैट वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। एंड उसके बाद हमने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा, और आज हम लोग जो थर्ड एंड द लास्ट वेरियंट है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो तीनों वेरिएंट्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, ये सिर्फ इस बात पे वैरी करते हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने कोफिशिएंट्स को अपडेट करते हो। ठीक है, सो आपका जो पहला वेरिएंट था दैट वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उसमें आप अपडेट्स पूरा डेटा देखने के बाद एक बार करते हो। इट मींस यू डू वन अपडेट पर ईपॉक। एक पूरा ईपॉक हो जाने के बाद, सारे रोज के वैल्यू को देखने के बाद, मैं एक बार अपडेट लेता हूं, दैट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस वाज स्लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आया स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक मतलब रैंडम, और यहां पर अगर आपके पास एन रोज का डेटा है तो आप एन अपडेट्स लेते हो पर ईपॉक। ठीक है, दिस वॉज फास्ट, मतलब यहां पे आपको उतने ईपॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज आपका एल्गोरिदम बहुत फास्ट कन्वर्ज करता है, स्पेशली इफ यू हैव लार्ज डेटा सेट। ठीक है, तो ये प्रेफरेबल है जब भी आपके पास बड़ा डेटा है एंड जब आपके पास नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है, बिकॉज सिंस ये रैंडम है, ये आपके लोकल मिनिमा से कभी कभी जंप मार लेता है और आपको ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचा देता है। ठीक है, वेयर एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट एंड कॉन्वेक्स डेटा सेट्स, ऑल्दो इन प्रैक्टिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक ही प्रॉब्लम है कि इट्स टू रैंडम, मतलब एंड में भी आपके पास जरूरी नहीं है कि सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए। यू विल हैव अ गुड सॉल्यूशन जो ठीक काम करेगा, पर क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा? नॉट नेसेसरी। सेकंड, बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो आंसर डिफरेंट आने का चांस। तो इन दोनों के बीच की चीज होती है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है बैच का। सो बैच मतलब ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ रोज। लेट्स से आपके पास ओरिजिनली एन रोज थे, मान लो 1000, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें बैचेस क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने बैचेस क्रिएट 100 के, तो टोटल बैचेस कितने होंगे? 10 बैचेस। अब हर ईपॉक में आप उतने अपडेट्स मारोगे जितने आपके बैचेस हैं। बेसिकली आप एक बैच को देखोगे और फिर अपडेट मारोगे, फिर सेकेंड बैच को देखोगे, फिर अपडेट मारोगे, फिर थर्ड बैच को देखोगे, फिर अपडेट मारोगे, एंड सो ऑन। सो यहां पर यू डू बैचेस अपडेट पर ईपॉक। ठीक है, सो अगर आपके पास 1000 रोज थे और आपने 100 के बैचेस बनाए, तो इसका मतलब आप 10 अपडेट्स लोगे इन वन ईपॉक। अगर आपने 10 के बैचेस बनाए होते तो आप 100 अपडेट्स लेते पर ईपॉक। ठीक है, अब मिनी बैच इज एक्चुअली इन बिटवीन बैच एंड स्टोकास्टिक। सोच के देखो, अगर आपके पास n रोज हैं और आपका बैच साइज आप सेट कर दो टू बी इक्वल टू n, तो सोच के देखो आप एक ईपॉक में कितने अपडेट्स मारोगे? आप सिर्फ एक ही अपडेट मारोगे पर ईपॉक, और ऐसा कौन करता है? बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपने बैच साइज ले लिया वन, तो अब आपके पास एन बैचेस बन गए, तो आप एन अपडेट्स मारोगे पर ईपॉक, तो दैट इज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट।
सो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज द जनरल फॉर्म, या बोल सकते हो बीच की बात है. इसको पैरामीटर को ट्वीक करके यू कैन गेट बोथ बैच ग्रेडियंट डिसेंट एज वेल एज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, सो दैट्स इट. यहाँ पे बस दोनों वर्ल्ड्स का बीच में जो भी है आप वहां पे आ रहे हो, दोनों वर्ड्स के फायदे उठाने का ट्राई कर लो. अगर आपका स्टोकेस्टिक ज्यादा रैंडम है तो उसका रैंडमनेस थोड़ा कम करने का तरीका है मिनी बैच. ठीक है, दैट्स इट. एंड दैट इज व्हाई वी यूज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. लीनियर रिग्रेशन में मोस्टली आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करते हो. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग. कभी कभी आपको मिनी बैच ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बट या मोस्टली यू यूज स्टोकेस्टिक. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका कोड स्क्रैच से लिखेंगे, कुछ विजुअलाइजेशंस देखेंगे और फिर साइकिट लर्न में इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे. सो गाइज, मैंने एक नई फाइल बना ली है बाय द नेम ऑफ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट फ्रॉम स्क्रैच. और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही कोड पेस्ट किया है जो मैंने बैच ग्रेडियंट डिसेंट के लिए लिखा था पिछले के पिछले वीडियो में. ठीक है, सो आई विल क्विकली रन दिस. लो डायबिटीज वाला डेटा सेट के ऊपर हम ट्राई करेंगे हमारा बनाया हुआ है क्लास को. देर आर 442 रोज, 10 इनपुट कॉलम्स. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया है और लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को ट्रेन कर दिया है, साइकिट लर्न के लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, सो दैट हमारे पास एक आइडिया हो कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए. एंड यू कैन सी दिस इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू है और ये हमारी स्लोप वैल्यूज हैं. और आर टू स्कोर इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 0.43. तो हम जो क्लास बनाएंगे उससे भी जो आउटपुट है वो इसी अराउंड में आना चाहिए. ठीक है, फिर ये क्लास मैंने बनाया था बैच ग्रेडियंट डिसेंट वाले वीडियो में और हम इसी क्लास को रीयूज करेंगे. ठीक है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रिडिक्ट में तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है. जो भी चेंजेस होंगे वो मोस्टली फिट में होंगे. और इनिट में एक चेंज और चाहिए पड़ेगा, दैट इज कि आप बैच साइज एज अ हाइपर पैरामीटर सामने से मांगोगे. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ बैच साइज बोल के. तो वहां से मुझे सामने से बताया जाएगा कि बैच साइज कितना है, 36, 64, इस तरीके से जो जनरल नंबर्स होते हैं वो हो सकता है या फिर जो मर्जी सामने वाला दे सकता है. और यहाँ पे आई विल क्रिएट अ क्लास एट्रीब्यूट बाय द नेम ऑफ बैच साइज. दिस विल बी इक्वल टू जो भी मुझे दिया जाएगा, यही बस चेंज रहेगा हमारा इस मेथड में. ठीक है, ऑल्सो आई विल चेंज द नेम ऑफ दिस क्लास टू MBGD, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, अब हम आते हैं मेन हमारे फिट मेथड में. फिट मेथड में आप सबसे पहले इंटरसेप्ट को जीरो करोगे, सारे कोफिशियंट्स को वन करोगे, ये स्टेप तो सही है. उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ईपॉक्स के अंदर लूप चलाना है फिर से फॉर J in the range of integer of x train dot shape ka zero divided by self dot batch size. ठीक है, सो मान लो हमारे पास जो डेटा है उसका साइज है 100 रोज और सामने से किसी ने मुझे बोला कि उसको बैच साइज चाहिए 10 का. तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे, 10. तो ये अंदर वाला लूप 10 टाइम्स चलेगा. हमेशा याद रखो अंदर वाला लूप उतनी ही बार चलेगा जितने आपके पास बैचेस है. ठीक है, और नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ रोज डिवाइडेड बाय बैच साइज. ठीक है, यहाँ पे मैंने कोलोन डाल दिया और ये आगे की पूरी चीज मैं इस लूप के अंदर करूंगा. और अब बहुत सिंपल है, अब मुझे क्या करना है, हर बार अंदर वाले लूप में मुझे रैंडमली कुछ आईडीज जनरेट करनी है. बेसिकली मैं रैंडमली एक बैच में जितने रोज होंगे उतने रोज मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा. ठीक है, सो अगर मेरा बैच साइज 10 का है तो हर बार लूप में घुस के मैं 10 रैंडम रोज सेलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर काम करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम को कॉल कर रहा हूँ, इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल. और रैंडम मॉड्यूल के अंदर I'll write it over here. I'll just show you कि मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ. रैंडम डॉट
रैंडम डॉट रैंडेंट, आई जस्ट गूगल यार, मतलब मेरे को याद नहीं है कि क्या हो सकता है. रैंडम जेनरेटिंग मल्टीपल रैंडम नंबर्स इन पाइथन, सो वी विल यूज या नॉट दिस वन, या रैंडम डॉट सैम्पल बोल के एक फंक्शन होता है, हम इसको यूज करेंगे. सो रैंडम डॉट सैम्पल, यहाँ पे आप रेंज में बता दो किस रेंज में आपको नंबर्स जनरेट करने हैं, और यहाँ पे बता दो कितने नंबर्स जनरेट करने हैं. सो इस गिवन रेंज में आपने 10 नंबर्स जनरेट कर दिए, ठीक है, हम यही कोड यूज करेंगे. सो वी विल राइट, आई जस्ट रिमूव दीज कमेंट्स फॉर नाउ. सो आई विल जनरेट आई डीज एंड दिस विल बी इक्वल टू रैंडम डॉट सैम्पल. रेंज क्या होगा? रेंज वही होगा जितने मेरे टोटल रोज हैं, दैट विल बी माई रेंज. सो बेसिकली एक्सट्रीम डॉट शेप का 0, कॉमा कितने आईडीज जनरेट करने जितना मेरा बैच साइज है, ठीक है. सो अगर बैच साइज 10 का है तो इस गिवन रेंज में 0 से लेके इस गिवन रेंज में 10 आईडीज जनरेट होंगे, और फिर अब मुझे इन्हीं 10 आईडीज वाले रोज के ऊपर काम करना है, ठीक है. सो अब जो वाई हैट निकलेगा वो इन्हीं 10 एज इन बैच साइज जितना भी है उतने रोज के लिए निकलेगा. तो एनपी डॉट में यहाँ पे मैं पूरा एक्स रे नहीं लूंगा, अब उसका सबसेट लूंगा, और वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा. सो मैंने फैंसी इंडेक्सिंग अप्लाई कर दिया नंपाई का, ठीक है. सो मतलब आई कैन शो यू एक्सट्रेन, अगर हमारा ये है एक्सट्रेन, अगर हमारा ये है, और इसके अंदर अगर मैं ये लिस्ट पास कर दूं तो आई विल गेट 10 रोज, ठीक है, दीज आर द 10 रोज. तो रैंडमली ये 10 रोज हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है. तो अब हम इसके ऊपर वाई हैट फाइंड करेंगे. बेसिकली ये जो 10 रोज है रैंडमली जो सेलेक्ट हुए, इनका हम वाई प्रेडिक्टेड निकालेंगे, और y predicted एक बार निकल जाने के बाद उसको हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए. और उसके लिए हमें यहाँ पे बस y train के बदले idx लिखना पड़ेगा, मतलब y train में सबसेट इन 10 या जितने भी बैच साइज में आइटम्स हैं उतने रोज का विल सब्ट्रैक्ट इट विथ y hat. इसका शेप और इसका शेप सेम होगा. उसके बाद आप अपडेट करोगे, अपडेट के कोड में कोई चेंज नहीं होगा, और उसके बाद आप कोफिशियंट के डेरिवेटिव को भी अपडेट करोगे. यहाँ पे फिर से आएगा आई डी एक्स, और एक्स ट्रेन में भी आ जाएगा आई डी एक्स. सो बेसिकली जो भी ऑपरेशन था उसको हमने सबसेट्स के ऊपर चला दिया, दैट्स इट, और कुछ खास हुआ नहीं, और आगे का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. सो आई जस्ट क्रॉस चेक ये कोड सही है कि नहीं, और मुझे ठीक लग रहा है. सो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, और अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, MGMBR, mini batch gradient descent regressor, MB. यहाँ पे मुझे 3 चीजें देनी पड़ेंगी. एक देना पड़ेगा batch size, मैं batch size दे रहा हूं integer of xtrain dot shape का 0 divided by 10, ठीक है. सो अगर एक्सट्रेन का शेप अभी कितना है, एक्सट्रेन का शेप है 353, और इंटीजर ऑफ 353 डिवाइडेड बाय 10 वुड बी 35. तो मेरे बैच बनेंगे टोटल मिला के 35 रोज के, ठीक है, और ये अंदर वाला लूप चलेगा 10 टाइम्स, ठीक है. सो या ये हो गया मेरा बैच साइज. मैंने लर्निंग रेट मान लो ले लिया 0.01, और मैंने epochs ले लिया मान लो फॉर नाउ 50, ठीक है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग द फिट मेथड. आई विल पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एंड यू कैन सी हमें आसपास के रिजल्ट्स मिल रहे हैं. हमारा एक्चुअल जो यहाँ पे था, that was 151 intercept value, we are getting 154,
अब यहाँ पे आप बैच साइज को चेंज करके, लर्निंग रेट को चेंज करके, ईपॉक्स को चेंज करके आप थोड़ा सा पैरामीटर को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो. लेट्स चेक आर टू स्कोर कितना आएगा. सो वाइप्रेड इज इक्वल टू एम बी आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट एंड फाइनली आर टू स्कोर वाई टेस्ट एंड वाइप्रेड इज कमिंग आउट टू बी 0.43 ओनली. यहाँ पे भी 0.43 आ रहा था. आप ये वैल्यूज चेंज करके देख सकते हो. अगर आप 20 का बैच साइज लो, नहीं आप 20 से डिवाइड कर दो अगर, तो नाउ 17 का बैच साइज होगा, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाएंगे. तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा इससे. अगर मैं 50 लूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. अगर मैं लर्निंग रेट थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो घट गया. थोड़ा सा अगर कम करें तो भी घट ही गया. आई गेस यहाँ पे हम ऑप्टिमम ही जा रहे हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं 275 लेट्स से, तो ईपॉक्स बढ़ाने से थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, तो वही है, मतलब ये आ रही है आपके पास हाइपर पैरामीटर्स है. यू कैन ट्राई वेरियस वैल्यूज. 100 ईपॉक्स में यू आर गेटिंग अराउंड 45 का आर टू स्कोर. ठीक है, तो एक बार चला के देखो. मतलब इट्स अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट. कुछ खास करना नहीं था, बैचेस क्रिएट कर दिए हमने रैंडमली और बस उसके ऊपर हम अपना एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं. ठीक है, अब मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशंस दिखाता हूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और कंक्रीट होगा अबाउट मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट. सो गाइज, मैंने ये विजुअलाइजेशन बनाया है फिर से कॉन्टूर प्लॉट फॉर this is our mini batch gradient descent. So I'll just write it down. This is batch, this is stochastic, and this is mini batch. ठीक है, I would just like to show you a general pattern. You can see, मतलब batch gradient descent is like very straight, बहुत सीधे तरीके से सॉल्यूशन की तरफ रीच कर रहा है, स्लो है. वेयर एज स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट इज रैंडम, एब्रप्ट स्टेप्स ले रहा है और एट द एंड सही जगह पहुंच जा रहा है. एंड बट इफ यू सी मिनी बैच, यू वुड सी कि ये बिहेवियर दोनों के बीच का बिहेवियर है. मतलब बैच को अगर आप पकड़ो और स्टोकास्टिक को पकड़ो तो दोनों के बीच का ये बिहेवियर है. बहुत ज्यादा रैंडम भी नहीं है और एकदम सीधा भी नहीं है. ठीक है, अब इसमें अगर आप बैच साइज में चेंजेस करो तो यू वुड सी कि ये बिहेवियर थोड़ा सा आप और ट्यून कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आप नोटिस करोगे कि जैसे ही वो सही जगह पे पहुंचता है वहां पे जा करके लाइक वो इनडिसाइसिव तरीके से इधर उधर घूमता रहता है. तो इसका सॉल्यूशन हमने स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड लर्निंग शेड्यूल. लर्निंग शेड्यूल में आप क्या करते हो कि आप एक फिक्स लर्निंग रेट लेके नहीं चलते. आप इंस्टेड जैसे जैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हो आप अपना लर्निंग रेट घटा देते हो, जिससे वो जो रैंडम बिहेवियर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और आप एक्चुअल सॉल्यूशन के पास जाके बहुत ज्यादा फिर घूमते नहीं. ठीक है, तो यू कैन इम्प्लीमेंट अ लर्निंग शेड्यूल बट इसके लिए आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है, या फिर एसजीडी रिग्रेसर आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दैट्स इट. मतलब बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने का था नहीं. आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट का बिहेवियर सच में आपका स्टोकास्टिक और बैच के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो अब हम बस एक लास्ट चीज देखेंगे, दैट इज हाउ टू यूज मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट यूजिंग साइकिटलर्न. सो गाइज, आई हैव क्रिएटेड द कोड हाउ टू डू mini batch gradient descent in scikit-learn. honestly you will use the sgd regressor class but wahan pe aapke paas direct option nahi hai batch size set karne ka, to ek jugad lagana padta hai. I'll show you wo jugad kya hai. so sabse pehle maine sgd regressor ko import kiya, fir maine iska ek object banaya jisme maine do cheeze batayi ki mera learning rate would be constant और उसका वैल्यू वुड बी 0.2. 0.2 क्यों लिया, क्योंकि इसी पे मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे. आप बाकी वैल्यूज चला के देख सकते हो.
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एसजीडी के अंदर, मतलब आपके एसजीडी रिग्रेसर क्लास के अंदर एक मेथड होता है पार्शियल फिट, ये पार्शियल फिट, जहां पे आप सबसेट ऑफ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये परफॉर्म वन ईपॉक ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट ऑन गिवन सैंपल्स, ये एक्सप्लिसिटली एक ही ईपॉक चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनली दिस मेथड यूजेस मैक्स आइटरेशन इक्वल टू वन, मतलब ये मेथड आप जब भी चलाओगे वो डेटा में एक ही बार घूमता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चलाया 100 के लिए, मतलब मैंने ईपॉक एक्सप्लिसिटली सेट किया 100, और इसके अंदर मैंने क्या किया, बैच साइज ले लिया 35 और इंडेक्स वैल्यू जनरेट की, 35 रैंडम इंडेक्स वैल्यू जनरेट की, और मैंने पार्शियल फिट को कॉल करके एक्स ट्रेन का वो जो 35 रैंडम रोज थे सिर्फ वही भेजे ट्रेनिंग के लिए, और ऐसा मैंने लूप में 100 टाइम्स किया, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये रहे मेरे कोफिशिएंट्स, और ये रहा मेरा इंटरसेप्ट, और ये रहा मेरा आउटकम 0.36, ठीक है। आप इसको चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि 0.1 करने पे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर गया, ठीक है। सो यू कैन ट्यून दिस, बट दिस इज हाउ यू डू मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट यूजिंग एसजीडी रिग्रेसर। आपके पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, कोई हाइपर पैरामीटर नहीं है बैच साइज बोल के। अगर आप डीप लर्निंग में काम कर रहे होते हैं, वहां पे केरास बोल के एक लाइब्रेरी है, वहां पे इसके लिए एक बैच साइज बोल के पैरामीटर होता है, तो इस तरह का जुगाड़ वहां नहीं लगाना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू विल हैव टू डू दिस, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत डिटेल में ग्रेडिएंट डिसेंट पढ़ा, आई होप आपको सारे टाइप्स ठीक से समझ में आ गए। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ पढ़ो मत, एज इन सिर्फ वीडियो मत देखो, ट्राई टू राइट द कोड विथ योर ओन हैंड्स, ठीक है। जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको कॉपी पे लिख के एक बार करने का ट्राई करो, तब ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। इफ पॉसिबल मल्टीपल व्यूइंग्स लग सकता है आपको वीडियो का, बट या दिस इज वन कॉन्सेप्ट जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको आगे कई एल्गोरिदम्स और डीप लर्निंग में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो विद दैट, या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।